हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं बात करने वाले हैं यहां पर आ, हमने लास्ट टाइम तो यहां बात करी थी वैसे भी यहां पर निफ्टी और कुछ इंडेक्सेस से व्यू से रिलेटेड बट वो पूरी बात नहीं हुई थी यहां पर मार्केट uh, uh, डोजोन्स यहाँ पर बाकी रहा था एज वेल एज बात करें यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर बाकी रहा था वो सब जानना बहुत जरूरी था तो उसके बाद एक डिसीजन लेना थोड़ा सा अच्छा रह जाता है तो आज कल मार्केट में क्या रह सकता है नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या रह सकता है उससे रेटिव बातें करेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बट यहाँ पर बेलाइकन हिट नहीं कर रखा तो वीडियोज नहीं पहुंच पाती वीडियोज नहीं पहुंच पाती तो वीडियोस में बहुत सारी चीजें सीखने को होती है मेरी हमेशा वीडियोस में कुछ नो कुछ तो well तो सब्सक्राइब नहीं करते कर पर पर वीडियोज आती है डेली वाइज यहाँ पर देखिए अच्छी अच्छी न्यूज अच्छी अच्छी व्यूज से रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड किस तरीके से ऑपरेटर्स का गेम होता है वो सब चीज से तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का फायदा ले सके आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम एज वेल एज ट्विटर दोनों पर फॉलो कर सकते हैं तो डो यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया तो क्या यहाँ पर एंड हो गया ओके okay, यहाँ पर एक दिन की में यहाँ पर अगर बात करें डोजोन्स लगभग कितने परसेंट की गिरावट है लगभग एक परसेंट के आसपास की गिरावट है निफ्टी में कितने परसेंट की गिरावट है लगभग एक परसेंट के आसपास की गिरावट है तो क्या एक परसेंट की गिरावट से हम यहाँ पर डर जाएंगे तो देखिए मेरा लास्ट टाइम भी मैंने वीडियोस में बताया था कोई भी चीज लगातार नीचे नहीं आती कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाएगी इस चीज को याद रखिएगा ओके नाइनटी डिग्री के एंगल पे कोई भी चीज यहाँ पर नहीं चलेगी और वो जो चीज चलेगी याद रखिए वो क्या होगी वो ऑपरेटर होंगे ओके okay, ऑपरेटर के थ्रू ही ऑपरेट किए जाएंगे और ये निफ्टी फिफ्टी ऐसा इंडेक्स है उसे कोई ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर सकता इस चीज को भी याद रखिएगा तो कहने का मतलब क्या है कि लगातार कोई चीज नीचे नहीं आती तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि की चीजें नीचे गई थी फिर उसके बाद सीधे यहाँ पर ऊपर की तरफ आई और तो यहाँ पर लोग खुश हो गए थे बट यहाँ पर खुश होने वाली बात नहीं थी क्योंकि इसके बाद एक और गिरावट यहाँ पर बाकी थी ओके ऐसे यहाँ पर हुआ फिर यहाँ पर नीचे गई तो ऐसे ही अब क्या होगा अब जब ऊपर मार्केट जा रही है तो लगातार ऊपर नहीं जाएगी अगर हम कह रहे हैं कि हमारे टारगेट आ रहे हैं यहाँ पर उन्नीस सौ उन, उन्नीस के एज वेल एज इक्कीस इक्कीस के आसपास के जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो लगातार वो एक साथ ऊपर की तरफ जाती जाएगी ऐसा नहीं होने वाला ओके okay, जो यहाँ पर गिरावट नाम की चीज होती है जैसे यहाँ पर गिरावट हुई थी फिर उसके बाद चीजें ऊपर गई थी तो एज इट इज हो सकता है कि यहाँ से गिरावट हो तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल समझना है यहाँ पर ओके okay, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल समझ गए तो ऑब्वियसली बात है कहीं पर भी कभी भी हम यहाँ पर किसी को भी देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हम यहाँ पर अपने व्यू से यहाँ पर एनालाइज कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वगैरह तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ये है जब तक इस लेवल को नहीं निकाल रहा अच्छे से सक्सेसफुली तब तक आपको यहाँ पर तेजी के बारे में नहीं सोचना और नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन सपोर्ट पे ऑलरेडी है मार्केट अच्छा खासा है बुल मार्केट है कोई परेशानी नहीं है जो थोड़ी बहुत गिरावट थी वो हो चुकी है अब अगर मार्केट गिरती भी है अगर मान लेते हैं कि एक अच्छी खासी तेजी हुई है और इसके बाद मार्केट गिरती है तो मार्केट गिरने का कितना गिर सकती है तो या तो इसके लिए ये सपोर्ट बनता है सत्रह चार सौ के आसपास का ओके या फिर यहाँ पर सपोर्ट बनता है सत्रह हजार के आसपास का तो मार्केट इन दो लेवल पे आके यहाँ पर रुकती हुई नजर आएगी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है अगर मार्केट कल अच्छा सेंटिमेंट रहा तो सीधे ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है या यहाँ यहाँ कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट कर सकती है और दूसरे बॉक्स में आने के लिए टाइम ले सकती है, बट अगर हम बात करें अगर यहाँ से भी मार्केट गिर जाती है तो इसके लिए दो सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे एक छोटा सपोर्ट ये ओके सत्रह चार सौ सत्रह पांच सौ के, के आसपास और उसके बाद सत्रह चार सौ का एक सपोर्ट नजर आएगा और उसके बाद ये सत्रह लास्ट है सत्रह सत्रह हजार एक सौ छियासठ के आसपास यहाँ से मार्केट ज्यादा नहीं गिरने वाली तो यहाँ पर इन व्यूज इसकी तरफ आपको ध्यान देना है इसके अलावा हम बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप में मैं कह चुका हूँ कि निफ्टी फिफ्टी और मिड कैप तो तेज भाग ली है बट स्मॉल कैप नहीं भागा है गिरावट हुई है देखिए वहीं से गिरावट हुई है इस लेवल को जैसे ही निकाला ना एक अच्छी खासी तेजी होगी जो इसे सीधे यहां पर लेकर जाएगी ग्यारह के आसपास तो आप ग्यारह की जर्नी के लिए यहाँ पर तैयार रहिए अगर गिरावट होती है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट होगी मुझे यहाँ पर ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही निफ्टी फिफ्टी में एज इट इज यहाँ पर थोड़ी गिरावट हो सकती है बट स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट होने के चांसेस नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके अलावा मिड कैप की बात कर लेते हैं मिड कैप हंड्रेड भी यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये जो आज कल का लो था ओके लास्ट ट्रेडिंग से कल तीस नौ सौ ग्यारह के आसपास का अगर यहाँ पर ये टूट जाता तो सीधे सपोर्ट यहाँ पर तीस हजार तीन सौ चालीस के आसपास का नजर आता है तो यही एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है तो यहाँ से सीधे फिर बाउंस बैक होने के बहुत चांसेस है और जैसे कि यहाँ पर बात कर दी गई है कि यहाँ पर जो टारगेट नजर आते हैं अड़तीस के आते हैं जो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई देंगे कब आएंगे डोंट नो ओके okay, वो कोई भी नहीं बता सकता निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं तो निफ्टी बैंक ये रहा आपके सामने तो निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं एक यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस था ओके okay, इसे यहाँ पर दो दिन सक्सेसफुली निकाला और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निकाल के चुपचाप यहां पर गिरता हुआ नजर आया और यहाँ पर देखिए सपोर्ट के आसपास आ गया है ओके okay, इसके लिए एक बेहतरीन सपोर्ट है अगर कल मार्केट गिरती है तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत ही मार्केट गिरेगी अड़तीस सात पर सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी अब स्टिल हम अगर गलत भी निकल जाते हैं तो फिर यहाँ पर दो सपोर्ट नजर आते हैं सबसे पहला सपोर्ट ये ओके अड़तीस दो सौ के, के आसपास का और फिर उसके बाद सैंतीस पाँच सौ के आसपास का ये सपोर्ट रहेगा और ये अगर होता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी तेजी होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर मार्केट उसी हिसाब से चलता है एक अच्छा खासा कब विद एंडल पैटर्न बनाएगा और इसके बाद चीजें और अच्छी निकलती हुई नजर आएगी तो मुझे लगता है

इस नंबर इसी इनी पर्टिकुलर सेगमेंट के आए हैं और यहाँ पर गिरावट भी इसी में ज्यादा हुई है और अभी तक ये भागे भी नहीं है तो यहाँ पर ऑटो और एफ भाग लिया है ओके और और वो भागते रहेंगे बट यहाँ पर बात करें आईटी की आईटी ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखा दी है बॉटम यहाँ पर क्रिएट कर दिया है ओके अब यहाँ पर केवल रिट्रेसमेंट जो मैं बताता हूँ रिट्रेसमेंट नाम की चीज होती है बस वो रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत हो सकती है अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे एक यहाँ पर लगभग उनतीस हजार के उनतीस हजार दो सौ के आसपास का एक सपोर्ट नजर आता है उसके बाद चीरे और दोबारा अच्छी नजर आएगी और उसके बाद जो अगर हम वैसे बात करें कि क्या टारगेट बन सकते हैं तो टारगेट वही बनेंगे यहाँ पर देखिए कब और फिर हैंडल बनता हुआ नजर आएगा और कब भी हैंडल पैटर्न के हिसाब से फिर जो टारगेट आएंगे वो टारगेट फिर हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है सॉरी Hmm. तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बट चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली क्योंकि तो यहाँ पर आसपास कोई यहाँ पर सपोर्ट है नो डाउट क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है बट अच्छा, अच्छा खासा सपोर्ट यही सॉरी रेजिस्टेंस नजर आता है बट अच्छा खासा रेजिस्टेंस यही है छत्तीस हजार और सैंतीस हजार के आसपास का तो आपको डरने की जरूरत नहीं है निफ्टी आई टी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा तो उनकी तरफ आपको जो स्टॉक्स है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे हैपीएस्ट माइंड नहीं गा उसकी तरफ ध्यान देना है और दूसरे स्टॉक्स है उनकी तरफ ध्यान देना है निफ्टी ऑटो निफ्टी ऑटो लगातार यहाँ पर तेजी हो रही थी ओके तो तेजी होने के बाद हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर के लेवल पे हमेशा कॉशियस रहना है क्योंकि क्या होता है कि हम ऊपर के लेवल पे सोचते हैं और तेजी होगी बट वहां पर हम फंसने फंसने की चांसेस रहते हैं बट जैसे कि निफ्टी आईटी बिल्कुल बॉटम पे है वहां पर गिरने के चांसेस कम है वहां पर बढ़ने के चांसेस बहुत तो चांसेसोलॉजी है जो आपको यूज करनी है ये स्ट्रेटेजी है जो आपको यूज करनी है वो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन पैसा बना के देगी तो यहाँ पर बात करें ऑटो ऑटो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर भाग लिया है यहां पर मार्च से लेके अभी तक तीन महीने में अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है ऑल टाइम हाई पहुंच गया है ओके गिरावट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, के बाद शायद बारह हजार एक सौ छब्बीस तक आ सकता है और है, आने के बाद फिर दोबारा एक बाउंस बैक देगा और अच्छा खासा यहाँ पर उस टाइम यहाँ पर खरीदने का मौका रहेगा तब यहाँ पर खरीद सकते हैं बट अभी बेफालतू में ऊपर के लेवल पे खरीद के ओके अपने गले में फांसी का फंदा लटकाना एक अच्छी बात नहीं है तो ये चीजें आपको आएगी तब आएगी आप मार्केट में डेली अपना फेस दिखाएंगे डेली आप मार्केट में आएंगे थोड़ा सा यहाँ पर सीखेंगे कुछ लॉस भी होगा कुछ प्रॉफिट भी होगा और जैसे ही चार पांच साल आपको बीत जाएंगे तो आप मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन और मार्केट के मूवमेंट को यहाँ पर समझने लग जाएंगे और वंस यू विल लर्न द द मूवमेंट ऑफ़ मार्केट तो इट विल इट वुड बी इजी फॉर यू कि यहाँ पर किस तरीके से मार्केट चलती है और इजीली यू विल अंडरस्टैंड द मार्केट सिंपल सी बात यही है और यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर देखिए हमारा जो टारगेट था मेटल में ओके यहाँ पर जाना था उसके भी ऊपर जा चुका है गिरावट हो रही है सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है निफ्टी में यहाँ पर बात कर लेते हैं फार्मा की फार्मा भी आप देख सकते हैं फार्मा इंडेक्स किस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है फार्मा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ छह महीने और दीजिए फार्मा को ओके okay, ऑलरेडी इसमें गिरावट हो गई है बहुत ज्यादा इसने कंसोलिडेशन फेस कर लिया है ओके आई टी के साथ साथ फार्मा चलता हुआ नजर आएगा ओके okay, और यहां पर यह पर्टिकुलर लेवल है इस पर्टिकुलर लेवल को ऊपर निकालना जरूरी है तेरह दो सौ पचहत्तर इस लेवल को निकाला सीधे यहां पर जाएगा चौदह हजार के आसपास और चौदह हजार को क्रॉस करके धीरे 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 एक एक करके ऊपर जाएगा तो जैसे कि मैं बता रहा था यहां पर देखिए रिट्रेसमेंट होगी रिट्रेसमेंट होगी फिर ऊपर गया यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है फिर रिट्रेसमेंट होगी और यही इसके आसपास शायद आके रुक जाए या फिर यहाँ पर आके रुक जाए और यहाँ पर आके फिर रिट्रेसमेंट होकर फिर ऊपर जाएगा तो इसी तरीके से चीजें काम करती है उसी तरीके से चीजें काम करेगी और याद रखिए मार्केट में अब बोल रहे हैं तो बोल रहे ऑटो तो यहाँ पर भाग रहा था एफ एम सी भी भागा एफ एम सी में भी उसी तरह गिरावट है अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर दो लेवल मुझे नजर आते हैं एक ये और आ, बयालीस हजार के आसपास का और इकतालीस हजार छह सौ के आसपास का ठीक है यहाँ से आके दोबारा जा सकती है और तीन से छह महीने के अंदर अंदर एफ एम सी जी सेक्टर एक नया हाई बनाता हुआ नजर आएगा तो इसकी तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है तो ये कुछ इंडेक्सेस थे एनर्जी भी आप देख सकते हैं रियलिटी भी देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एनर्जी भी यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है बट एनर्जी से थोड़ा सा देख धाख के यहाँ पर काम करिएगा एनर्जी में क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर भाग चुका है इसके अलावा यहाँ पर रियलिटी भी देखना है तो आप रियलिटी स्टॉक्स भी देख सकते हैं ब्रेक देखिए यहाँ पर भागा रिट्रेसमेंट हुई फिर भागा फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो रही है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है चार अस्सी निकाला तो सीधे यहाँ पर चार पांच सौ और धीरे पांच सौ के बाद पांच है तो सत्ताईस अभी, तो अच्छा तो अभी भी बाइंग कर रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बाइंग किया है और जैसे कि मैंने बताया था एक जना बाइंग करेगा तो एक जना यहाँ पर सेलिंग करता हुआ नजर आएगा तो इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट काम करती है उसी तरीके से बैलेंस होता हुआ दिखाई देता है हमें मार्केट और लगातार अगर ये भी खरीदते रहेंगे ये भी खरीदते रहेंगे तो क्या होगा कि मार्केट ऊपर तो जाएगा बट फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है अगर डीआईस की बात करें वो लगातार यहाँ पर खरीदते आ रहे थे उन्होंने भी दो लाख करोड़ के आसपास के यहाँ पर खरीदा था इन्होंने दो लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर बेचा था तो यहाँ पर ये यह खरीदते जा रहे थे तो ये बेचते जा रहे थे अब इनके खरीदने का नंबर है ये इनके बेचने का नंबर है तो इसी वजह से यहाँ पर जो मार्केट है इस तरीके से चलती है अदरवाइज दोनों खरीदने लग गए तो मार्केट न्यू चलेगी ओके okay, समझ रहे हैं आप इस बात को तो इसी चीज को यहाँ पर दिमाग में रखना है इसी इन इंडेक्स को और साथ में देख लीजिए इंडिया विक्स ओके okay, ये भी साथ साथ चलता रहता है ये भी मूवमेंट दिखाता रहता है कि क्या यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है तो देखिए अभी तो ये कंसोलिडेशन तो फेज में बढ़िया से ऐसे ये ऊपर जाएगा तो याद रखिए फिर थोड़ा सा इसमें भी डरने वाली बात आपको हो सकती है तो थोड़ी भी हो सकता है कि ये ऊपर जाके नीचे आ सकता है तो यहां पर ध्यान दीजिए अगर ये ऊपर गया मार्केट नीचे आएगी तो बैंक सेलन की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करना है कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं लाइक करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी यहाँ पर समझ सके मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है वो समझ सके क्या किस तरीके से सेक्टर रोटेशन होता है वो भी यहाँ पर इसी तरीके से होता है चार्ट देख लिया सेक्टर रोटेशन पता चल जाएगी तो यहां पर ही चीजें आपको समझ में आ जाती है सो थैंक यू सो much God bless